पिछले करीब दो साल से फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में वृद्धि का सिलसिला चल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई और बंधन बैंक ने हाल में ही 3 करोड़ रुपए तक की एफडी की ब्याज दरों में इजाफा किया है। निवेशक ऊंची ब्याज दरों का खूब फायदा उठा रहे हैं, लेकिन कमाई का ये मौका हमेशा नहीं रहता। आरबीआई ने अगस्त की मॉनेटरी पॉलिसी में लगातार 9वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। फरवरी 2023 के बाद से केंद्रीय बैंक की रेपो रेट 6.5% पर स्थिर बनी हुई है। माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक अक्टूबर से ब्याज दरों में कटौती का दौर शुरू कर सकता है। इससे एफडी की दरों में कटौती देखी जा सकती है। ऐसे में एफडी में निवेश करके लंबी अवधि तक ऊंची ब्याज दरों का फायदा उठाने का बढ़िया मौका है। हालांकि महंगे होम और ऑटो लोन की ईएमआई भर रहे लोग अरसे से कर सस्ता होने की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन 1.5 साल से ये उम्मीद पूरी नहीं हो पाई है। आखिर अब ऐसे क्या कारण है जिससे ब्याज दरों में कटौती के आसार बन रहे हैं? दरअसल आरबीआई का लक्ष्य महंगाई को काबू करना है। उसका लक्ष्य खुदरा महंगाई को 4% के सहनीय स्तर पर लाना है। इसके बाद ही वो ब्याज दरों में कटौती की राह पर आगे बढ़ेगा। इस मोर्चे पर राहत की बात यह है कि जुलाई महीने के आंकड़ों में रिटेल महंगाई की दर 4% से नीचे फिसलकर 3.54% पर आ गई। अगर महंगाई में नरमी का सिलसिला आगे भी बना रहता है तो आरबीआई ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत कर सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि आरबीआई अक्टूबर के आसपास ब्याज दरें कम करना शुरू कर सकता है। चालू वित्त वर्ष में रेपो रेट में 2 बार कटौती होने की उम्मीद है। रिसर्च एजेंसी केआरएच का अनुमान है कि खाद्य महंगाई में कमी आने पर आरबीआई वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में पॉलिसी रेट्स में कटौती की शुरुआत कर सकता है। अगर आरबीआई पॉलिसी रेट्स घटाता है तो एफडी की ब्याज दरों में भी कटौती देखी जा सकती है। ऐसे में अगर आपके पास सरप्लस फंड है और लंबी अवधि तक ऊंची ब्याज दरों का फायदा उठाना चाहते हैं तो एफडी में निवेश कर सकते हैं। कई बैंक एफडी पर सालाना 8% तक ब्याज ऑफर कर रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक तो 9% तक ब्याज दे रहे हैं। कुछ बड़े बैंकों ने निवेशकों को रिझाने के लिए विशेष एफडी शुरू कर रखी हैं, जिन पर कुछ ज्यादा ब्याज मिल रहा है। सीनियर सिटीजन्स के लिए बैंक 0.5% तक ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहे हैं। उदाहरण के लिए SBI अपनी 444 दिन की विशेष एफडी अमृत वृष्टि पर 7.25% ब्याज दे रहा है। इस एफडी पर सीनियर सिटीजन को 7.25% ब्याज ऑफर किया जा रहा है। यस बैंक और बंधन बैंक रेगुलर एफडी पर 8% ब्याज दे रहे हैं। अगर आप अपने निवेश पर बिना किसी जोखिम के लंबी अवधि तक निश्चित रिटर्न चाहते हैं तो बैंक एफडी अच्छा ऑप्शन है। फिलहाल एफडी पर ब्याज की दरें पीक पर है। ऐसे में लंबी अवधि की एफडी कराकर सालों तक ऊंची ब्याज दरों का फायदा उठा सकते हैं। इकोनॉमी से जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें देखते हुए माना जा रहा है कि आरबीआई पॉलिसी रेट्स में कटौती शुरू कर सकता है। इसके बाद आपको एफडी में निवेश पर ऊंची ब्याज दरों का मौका नहीं मिलेगा।